गुड मॉर्निंग। कब आपको पता चला कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मैंने लगभग सिक्स स्टैंडर्ड से डिसाइड कर लिया मैं डॉक्टर ही बनूंगा। मेरे फादर मदर थोड़े बीमार रहते थे, तब मैंने बहुत पढ़ा सब हेल्थ के बारे में और जनरल प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह की, और सपोज उधर से मुझे इंटरेस्ट हो गया तब से डिसाइड हो गया। पहले तो उनको लगा कि इतना छोटा बच्चा ये सब बोल रहा है तो ये थोड़े बदल जाएगा और वो सब चेंज आ जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे IIT की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए भी भेजा था, जो मैंने ज़बरदस्त फ्लंक की, मुझे कुछ भी नहीं आया था उसमें। बट मेडिकल के लिए मार्क्स इनफ आ गए थे, बाकी एग्ज़ाम में तो ज़रूर आ गया मैं। तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? MBBS मैंने बड़ौदा से किया, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से, और फिर बाकी मैंने स्टडी जो है मेडिसिन और ऑन्कोलॉजी हीमेटोलॉजी सब अमेरिका से किया, मेनली डिट्रॉइट एंड न्यूयॉर्क से। तो डिफरेंस कितना है वहाँ की स्टडीज और यहाँ की स्टडीज? बाकी सब चीज़ों की जगह वहाँ पे बहुत डेप्थ में गए हैं एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करना चाहिए उसके बारे में। जैसे यहाँ पे यह है कि आप बहुत सारे पेशेंट देखो और साथ साथ में आप सीख लो, उस टाइप का है। वहाँ पे एजुकेशन का एक कम्प्लीटली सेपरेट सिस्टम है। सो व्हाइल यू वर स्टडीइंग देयर, व्हाट आर द फन पार्ट्स ऑफ स्टडीइंग इन यूएस? कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो? मेडिकल एजुकेशन में फन पार्ट तो बहुत रेयर होता है, तो आपने बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया। स्पेसिफिकली फन, बट जैसे मैं ऑन्कोलॉजी के फर्स्ट ईयर में था, पहले दो तीन महीने हुए थे, और मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे इतना झाड़ा, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, एक हिस्ट्री मैंने ठीक से ली नहीं थी, तो अब वो मज़ा आता है याद करने में।